अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तिल मावा की बर्फी, और इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 200 ग्राम मावा लिया है, आधा कप लेंगे तिल, सफ़ेद तिल लिए हैं, 5 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 10-12 मैंने चॉप बादाम लिए हैं, और आधा टेबल स्पून लेंगे केपड़ा बटर। तो फ्राइंग पैन में हम ये तिल को ट्रांसफ़र करेंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये रोस्ट हो चुकी है, इसको 2 मिनट लगे रोस्ट होने में। अब हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हम सेम पैन में ही मावा को भून लेंगे और फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम मावा को भून लेंगे। तो इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और आधा टेबल स्पून इसमें केवड़ा बटर डालेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक इसको भून लेंगे, पका लेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे सफेद तिल और इसमें बस थोड़े से बचा लेंगे, 1 टेबल स्पून गार्निश के लिए ऊपर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे ये बादाम और इसको पकाएंगे जब तक कि ये पैन से अलग होना नहीं शुरू हो जाता, और फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। इस प्लेट में हमें बर्फी जमानी है, उसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें ऑयल से करें, घी से करें। तो मैंने इसको लगातार चलाया है और ये इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे जो मैंने ग्रीस की थी। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। अब हम इस पर तिल स्प्रिंकल कर देंगे जो हमने बचा कर रखे हैं चारों तरफ। मैंने तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं, अब हम इसको दबा देंगे जिससे तिल इसके अंदर सेट हो जाए अच्छे से। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, बर्फी सेट हो चुकी है। अब हम इसको निकालने के लिए थोड़ा गैस पर रखेंगे जिससे ये पीस आसानी से निकल आए। 20 से 25 सेकंड के लिए रख देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई में कटिंग कर ली है, अब मैं इसकी आड़ी कटिंग कर लूंगी। अब हम इसके पीस निकाल लेंगे। तो सारे पीस मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं ये। तो तैयार है हमारी विंटर स्पेशल तिल मावा की बर्फी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।